हाय गाइस, ये बन रही है मूंग की वड़ियां यानी मुंगोड़ियां। इसे बनाना बहुत ही आसान है। 4-5 घंटे हम इस धुली हुई मूंग को पानी में भिगा देंगे और साफ पानी में भिगाने के बाद इसे एक दो बार और अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसका सारा पानी निथार कर मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसके लिए 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा और थोड़ी हींग ले ली है और यहाँ मिक्सी में मैंने इसे अच्छी तरह से धो के डाल दिया है और पल्स दे दे के इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। और उसके बाद हम ये कटी हुई अदरक इसमें मैंने यहाँ डाल दी है और साथ ही हम हींग भी इसमें डाल देंगे। हींग आप बाद में भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने अभी मिक्स कर दी है। और वड़ियाँ डालने के लिए जिस भी प्लेट या थाली में आप वड़ियाँ डालेंगे उसे हम अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आपके हाथ साफ होने चाहिए और अच्छी तरह से हाथों से ही आप अच्छी तरह से थाली परात जो भी आपके घर में फ्लैट बर्तन है उसमें आप अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल ग्रीस कर दीजिए। देखिए, धुली हुई मूंग दाल अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है। अब इसको मैं हाथ से काफ़ी बीट करूंगी, इतना बीट करूंगी कि ये फ्लफी हो जाए। और जब ये मूंग दाल फ्लफी होगी तभी इसकी मुंगोड़ियाँ बहुत अच्छी हल्की और स्वादिष्ट होंगी, नहीं तो सख्त हो जाएंगी और खाते समय ये अच्छी तरह से पकेंगी नहीं और रस भी अच्छा नहीं छोड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं आपको गुणवत्तापूर्ण जो मुंगोड़ियाँ प्राप्त हो तो उसके लिए आपको इसे खूब फेंटना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट कम से कम मैंने हल्का सा पानी इसमें डालकर खूब इसको मैं फेंटा है और फेंटने से ये आपके लिए बहुत स्वादिष्ट होंगी जब आप इसकी सब्जी बनाएंगे। इसको चेक करने का तरीका यह है, पानी में इसको डुबोइए और अगर ये फ्लोट करेगा तो आपकी मुंगोड़ियाँ बनाने वाला बैटर तैयार है। घर के अंदर ही हम इस मुंगोड़ियों को तोड़ेंगे और छोटी छोटी सी वड़ियाँ बनाएंगे और इसके बाद हम इसको धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। मुंगोड़ियों का जो साइज है वो छोटा ही होना चाहिए, इससे ये जल्दी सूखती हैं और पकाने में भी आसान होती हैं। और मुंगोड़ी जो है बहुत ही जल्दी बनने वाली एक बहुत ही बढ़िया डिश है। इसे आप जल्दी बनाकर आप धूप में रखिए और 2 दिन में ये सूख कर तैयार हो जाती है। पारंपरिक ढंग से और बहुत ही आसान तरीके से हाथों से ही मैंने छोटी छोटी मुंगोड़ियाँ बनाकर इसको धूप में रख दिया है और कम से कम 2 दिन की धूप में ये अच्छी तरह से मुंगोड़ियाँ सूख जाएंगी। इससे मैंने थालियों को अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल से ग्रीस किया था, निकालने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तैयार हैं आपकी स्वादिष्ट मुंगोड़ियाँ।